हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है कर्मा के लिए, रिक्वेस्टेड और रीडिंग है। एक्चुअली रिक्वेस्ट काफ़ी पहले की थी, लेकिन पता नहीं क्यों समा मन नहीं कर रहा था वो सब देखने का, उस कर्मा का क्या रीडिंग होगा। तो लेकिन फिर भी चलो, जो भी है वो सामने देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ऐसा होता है ना कि इतना बड़ा धोखा, दर्द, तकलीफ़ इतना ज़्यादा होता है कि उनको एक सवाल मन में पैदा हो जाता है कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है और सामने वाला इंसान इतना मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या यूनिवर्स उनको नहीं देख रही है? अगर हम अगर तकलीफ़ सह रहे हैं तो हमारे कर्मास हैं, तो क्या उनका कोई कर्मा नहीं है क्या? क्या उनको कोई सज़ा या कोई कुछ भी चीज़ का एहसास होगा या नहीं होगा, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे हैं पर्सनल रीडिंग में, तो देखते हैं कि कर्मा क्या होगा, तभी बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। कर्मा क्या होगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अपने से जो रेजोनेट होता है ना उसी को लेना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने से जोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रहे। कर्मा का नाम लिया और शनिदेव हाजिर। नाउ पेंटिकल्स, बॉटम डेक है सिक्स ऑफ वैंड्स और द मून। कर्मा क्या होगा, पहले देखते हैं कि कर्म क्या हो सकते हैं उनके, वो देखेंगे। हर एक बार मैंने रीडिंग की है तो हर एक बार अलग अलग चीज़ें होती है, तो वैसे ही आज की रीडिंग में जो है ना वो कर्मा क्या है वो दिखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या फील हो रहा है ना कि ये इंसान है ना अपनी चलाने में बहुत ज़्यादा, जो भी इंसान है, किसी ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ हो, कोई भी आसपास नेबर, दोस्त, जो भी हो, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, रुलाया है, धोखा किया है, इस लेवल तक कि आपको जानना फील होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा, या मतलब कभी मन में भी नहीं आया, कभी जहन में नहीं आया कि ऐसा कुछ भी देखना हो सकता है स्पेशली इस इंसान से। तो वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंसान है, तो वो जो इंसान है, साइंस सभी है कि एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस लियो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, और स्पेशली लिब्रा या कैप्रिकॉर्न, ये साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न। यस, स्कॉर्पियो भी फील हो रहे हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग साइन, यस स्कॉर्पियो लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न फील हो रहा है। और तो कर्मा की बात करते हैं कि ये इंसान का क्या हुआ ना कि इन्होंने ना सपोज कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स है या कोई पार्टनरशिप है आपकी, लव लाइफ हो या बिजनेस हो या समाव आप कलीग है, साथ में काम करते हैं, बट इन्होंने पीठ पीछे ऐसा कुछ किया ना जिसमें अपनी जो फोकस है ना, अपनी जीत के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा है कि मुझे कुछ मिले, मुझे सक्सेस मिले, इसके ऊपर ज़्यादा फील हुआ। खास करके मुझे कलीग्स और पार्टनर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि इन्होंने आपको ना पार्टनरशिप में या फिर कलीग्स होने के बावजूद भी आप साथ में प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, लेकिन
फिर भी इन्होंने ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट पे गेम खेलाना कि जिसकी वजह से हाथ प्रोजेक्ट निकल गया और इनको तो सक्सेस मिल गया, इनको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन आपका लिटरली मतलब आपको समझ नहीं आया कि हुआ क्या आपके साथ इतना लेवल पे, आपका मतलब लिटरली ऐसा लगा कि डिमोशन हुआ, ये फील हुआ है मुझे। ये पर्सन ना हमेशा जो भी है, ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ ऐसे मतलब दिखाते थे कि आपका भला सोचते हैं, आपका आपके साथ ना साथ में रह के इतना आपको इमोशनली बॉन्ड किया था ना कि आप उनके ना दिल की हर बात शेयर, आप उनको अपनी दिल की हर बात शेयर कर पाते हैं, अपनी जो भी है आपको जो भी फील होता है जो भी है हर चीज़ शेयर कर पाते हैं। और जब इनकी बात आती थी ये ज़्यादा शेयर नहीं करते, जितना उनको दिखाना था जिनको तब बताना था वो सब अच्छे से शेयर कर लिया, लेकिन जब बात आई एक्चुअली में कुछ दिखाने की करने की ना, तो आपके ही आइडियाज़ आपकी ही चीज़ें यूज़ करके इन्होंने ऐसा कुछ सामने रखा कि आपकी हार और उनकी जीत जैसे ताज है ना उनके सर पे चला गया हो। दूसरा चीज़ फील हो रहा है ना, जिस लोगों के लिए आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया हो, सैक्रिफाइस किया हो, तो वो चीज़ ऐसे है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में, और कुछ लोगों के केसेस में टीम और वो सब चीज़ फील हो रहा है कि आपने बहुत मतलब इनके लिए वो जो पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत कुछ किया, मतलब लिटरली अपने आप को पीछे रखा और उनके लिए किया। और अभी जब आपकी बारी आई या आपको साथ देने की बारी आई या जब आपको ज़रूरत थी, तो ये लोग उस जिम्मेदारी के नाम पे या हम बोझा नहीं उठा सकते ये नाम पे पीछे हट गए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन है ना बातें बहुत बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्चुअली में जब साथ निभाने की बात हो गई तो लिटरली बात से मुकर गए। कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है ना कि डिसीजन लेना होता है ना कि चलो अभी मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको इतने पैसे आपको अगर ज़रूरत होगा ना तो मैं दूंगी या फिर लौटा दूंगी, लेकिन जब बात मांगने की आई ना तो सीधा सीधा मुकर गए कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर तुमने कब दिए पैसे, या फिर ऐसा कब हुआ। ये ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं। ये हमेशा ना आपका एक ऐसा फ़ायदा उठाते रहे कि जहाँ पे कुछ लोग केसेस में ना लिटरली मुझे फिज़िकल लव लाइफ में स्पेशली फिज़िकल क्या बोलते हैं उसको यूज़ भी दिख रहा है कि आपका फ़ायदा तो उठा लिया, मतलब जब चाहे उनको ज़रूरत हो तो आपसे मिल ले, बात कर लिए और वो सब किया है, बट लास्ट मोमेंट पे जब बात कमिटमेंट और शादी की आई तब इन्होंने लिटरली पीछे मुड़ गया। और कुछ लोग केसेस में लिटरली ना गायब हो गए, घोस्ट वाली एनर्जी भी फील हो रही है मुझे, घोस्ट वाली एनर्जी। आपका जैसे इमोशंस हो या आपका शरीर हो, दोनों तरह से फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन जब आपको देने की बारी आई तो बहुत कुछ गायब था। इनकी तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो दिखावा था, दिखाने का बात है ना, मतलब आपको लगेगा कि भाई इस इंसान से बढ़कर तो मेरे लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बैलेंस नहीं था, मतलब आपको शुरू में ना इतना दिया या दिखाया कि जिसकी वजह से आप इतना मतलब आपको समझ नहीं है कि आप बहते चले गए इस इंसान की बातों में, इस इंसान की प्यार में हो या इस इंसान की बातों में हो, इस इंसान की जिस तरह से वो बात करता है, तो ऐसा लग रहा है कि बस दिस इज़ इट, ये यही पर्सन है जो होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, भले वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, ऐसा लग रहा है कि यही है पर्सन होना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ ना कि बाद में ऐसा लग रहा है कि अभी आपको लिटरली ऐसा ना शॉक लग रहा है कि ये क्या कर रहे थे, ये आपके पीठ पीछे। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी थी आपके पीठ पीछे। कुछ लोगों के केसेस में मैरिड है सिचुएशन और थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में वो दिख रहा है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो दोनों भी जगह दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ बोल रहे थे या लिटरली कुछ ऐसा दिखा रहे थे ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सारा काम है, और ऑफिस में लिटरली वो वक्त किसी और को ऑफिस या ऑफिशियल रीज़न की वजह से वो किसी को और को वक्त दे रहे थे। और कुछ लोगों की इसमें ना इन्वेस्टमेंट पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ना
पैसे के मामले में आपको बहुत ठगा हो, लाइक आपसे इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपको बोले ना कि ये देखो ये स्कीम है, ये प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो या ऐसा कुछ तो बोला होगा, बट लेटर ऑन पता चला कि इन्होंने अपने सिर्फ कमीशंस हो या अपनी स्कीम चलाने का हो या किसी वो सब चीज़ के लिए पैसा तो ले लिया, अभी आपका पैसा क्या हो रहा है या डूब गया है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप अगर जाके पूछे तो बोले कि मैंने तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने तो ड्रेस डाल दिया था, मुझे जैसे बोला गया था या मुझे तो पता नहीं था, अभी तुम्हारा ही नसीब ख़राब है तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। इन्होंने बार बार है ना आपको अभी अभी रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट किया किसी भी मामले में हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या मतलब आप जब बात करना चाहते हो तो बात नहीं करना चाहते या किसी भी मामले में कमिटमेंट मांगना चाहते हो, कुछ बात हो तो ये नहीं करना चाहते थे लिटरली, फिर वो ब्लॉक सिचुएशन में चले गए, बात करना बंद किया हो, सिचुएशन ऑन एंड ऑफ में गई हो, सब कुछ होता है। तो वो चीज़ हो, मैंने कहा ना कि हो सकता है ये दोस्त भी हो या कोई, मुझे तीन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। एक तो पहले पर्सन जो आपके साथ लव लाइफ में कनेक्टेड है स्पेशली, दूसरा है आपके फैमिली मेंबर्स, यस आपके फैमिली मेंबर्स, फिर वो एकदम क्लोज हो या रिलेटिव्स हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, और तीसरे हैं कि दोस्त, सो कॉल्ड आपके दोस्त जो बने फिरे हैं ना या बन रहे हैं या बन रहे थे, वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आज आप तकलीफ में हो तो उनका रीज़न ये है कि इनका सेल्फिश नेचर, ये बात करने में बहुत ज़्यादा एक बातूनी कम्युनिकेशन इनका बहुत गजब का होगा, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, कलर और कॉम्बिनेशन इसका कोई लेना नहीं, इनका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब बातों बातों में ऐसे घुमा देंगे ना कोई है कि आप मतलब जैसे ना आपको ऐसा सपना दिखाएंगे कि आप उस बस सपने में अपने आप को ढाली देंगे, भाई आपको लगेगा कि ये सपने के अलावा ज़िंदगी में कुछ और है नहीं, इतना खूबसूरत सपना दिखा सकते हैं ये पर्सन है, लेकिन ये बस आपकी लव लाइक आपकी इमोशंस, दूसरा है आपकी शरीर, दूसरा तीसरा है आपके पैसे, ये तीन चीज़ों के लिए आपके लिए अट्रैक्टेड थे और इसकी चीज़ की ज़रूरत थी। अभी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें होती है, जैसे एक पर्सन का होता है कार्मिक पैटर्न और दूसरा है कार्मिक पर्सन, तो जो दोस्त टाइप है ना वो आप दोस्त या फैमिली मेंबर है वो आपके कार्मिक पर्सन है, लेकिन ये इंसान का कहीं ना कहीं आपसे कर्म जुड़ा था तो वो पर्सन आपसे कुछ छीनने के लिए आया था, वो हो गया, अभी वो चीज़ें हो रही थी। और दूसरा चीज़ होता है कि आपके लव लाइफ में भी एक कार्मिक पैटर्न होना, ज़रूरी नहीं है पर्सन कार्मिक कार्मिक ही सोलमेट हो, यहाँ पे ऐसा होता है कि कार्मिक पैटर्न भी होते हैं इंसान के, एक सबक होता है जो आपको उनको सीखना होता है आपके रिलेशंस में, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके लव लाइफ में आपके जो पर्सन है, जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि धोखा दिया है मतलब कार्मिक ही होगा, ऐसा नहीं है, वो कार्मिक पैटर्न भी हो सकते हैं। तो उनको कर्मा में मिल रहा है यही सारी चीज़ें जो आपके साथ की, ऐसे पर्सन से धोखा, स्पेशली एकदम अपनों से धोखा, जिस इंसान के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है उसी से बहुत बड़ा तगड़ा धोखा है, स्पेशली सेम वे इमोशनल फिजिकल और दूसरा है पैसे के मामले में धोखा मिल सकता है, मिल सकता नहीं मिलेगा ज़रूर मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स मतलब सो कॉल्ड अपने हैं ना उनसे तो बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी जिनके लिए इन्होंने आपको चीट किया उनसे तो इतना बड़ा तगड़ा धोखा मिला है, स्पेशली पैसे के मामले में, फिर वो इमोशनली मतलब भले वो मैरिड हो लेकिन पैसे का, मुझे स्पेशली अगर डिवोर्स केस हो गया ना तो आप देखेंगे कि वो पर्सन को इतना बड़ा झटका लगेगा कि बिलीव नहीं कर सकते इतना बड़ा झटका लगने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। दूसरा चीज़ इनकी जो बातें हैं ना वही बातें उनको बहुत ज़्यादा तगड़ा फंसाने वाली है इन फ्यूचर, बहुत सपने दिखाए थे ना यही सपने आज उनको ले डूबेंगे, अकेला कर देगा इंसान को, जिस तरह से रिजेक्शन पे रिजेक्शन आपको दिए हैं ब्लॉक सिचुएशन, वैसे ही एक वक्त एक जो एक एक वो सर्कल है ना जिसमें अपनी उन्होंने एक दुनिया बनाई है
जो खोखली दुनिया है, जो इमोशंस के नहीं दिखावे पे है, वही दिखावे की दुनिया उनको ही अलग करने वाली है अपने से। भाई तेरे पास अभी कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, ये करने वाले हैं। बाद में जो उनका एक सेल्फिश होना ना, उनको ही अभी भारी पड़ने वाला है गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से। और दूसरा चीज़ अभी मुझे फील होता है कि यस, एक बारी तो उनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो कर्म है कहीं ना कहीं होता है ना, कभी कभी हमें एस्ट्रोलॉजर पर जाते हैं या कहीं पे होता है, हमें बोला जाता है कि आप उस इंसान से माफ़ी मांगना ज़रूरी है, या कहीं पे ड्रीम्स के थ्रू या कहीं से उनको एहसास होगा, या कहीं आमना सामना हो सकता है और उसमें आपके सामने नज़र रखने का आप उनको ना लिटरली, जितने उनके कर्म बढ़ते जाएंगे ना, अभी अगर से अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी सब कुछ अगर आपको दिख रहा है ना, उनके स्टेटस स्टोरीज डीपी सामने पर दिख रहा है, सब कुछ है, मैरिड है, अच्छा खासा चल रहा है, बीवी बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन चीज़ें बदलेगी। ऐसा नहीं कि जैसे आप खुद जानते हैं कि आपके नसीब में भी सब कुछ अच्छा ही था ना, एक बार ही सब जब बदलने लगता है तो कितना बड़ा झटका लगता है। तो वो अर्श से फर्श से जो सफ़र होता है ना, बहुत गंदा होता है, तो वो चीज़ उनको भी फेस करनी है, बहुत ज़्यादा फेस करनी है। मतलब कुछ लोग केसेस में ना इतना हो सकता है, जितना लेवल का कर्मा है ना, जितना लेवल, जितना विश्वास, जितना प्यार, जितना सब कुछ आपने भरोसा किया है, जितना विश्वास किया, जितना प्यार किया है, उतना ही लेवल का कर्मा फेस करना पड़ेगा, आप चाहे ना चाहे। मैं तो कहूँगी कि आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करना है आप, क्योंकि आपको भुगतने वाले कर्म सज़ा आपने भुगत चुकी है, सामने वाले का यूनिवर्स का काम है, तो वो आपको नहीं सोचना है, बस आपने सुन लिया, ठीक है, यूनिवर्स को कहना है बस माफ़ करो, आपने खुद माफ़ करना चाहिए, बस उतना ही है। अभी ये क्यों ज़रूरी है, आपने कहा कि इतना तकलीफ होने का मैं उसे कैसे माफ़ करूँ, नहीं, आपको अपने लिए उनको माफ़ करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अटकी हुई है इसी वजह से, आपकी एनर्जी में ब्लॉक है, आपकी ग्रोथ रुकी है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आपको माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोझ, ये जो तकलीफ, ये जो मलाल है आपके दिल से, आपका क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में अपनी खुशियाँ जो भी है, अगर इनके कार्मिक पैटर्न्स भी है आपकी लव लाइफ में, वो ख़त्म हो जाए और आपकी तरफ खुशियाँ आ जाए। वॉचिंग क्लाउड्स एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस। वॉचिंग क्लाउड्स, लाइ बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। मैंने क्या कहा कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स होना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, जस्ट रिलैक्स। यूनिवर्स अगर ये चीज़ आपको देखना है कि अब उनका कर्मा क्या होगा, आप बस देखते रहिए, आपको सोचना नहीं है, तकलीफ फील नहीं करनी है, आपको बस फॉरगिवनेस थेरेपी करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। सी, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू है कहीं ना कहीं कुछ तरीके से, तो वो अगर नहीं हो रही है तभी आपको करनी ज़रूरी है, और इसीलिए आपको ये क्लींजिंग प्रोसेस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ करनी है। फॉरगिवनेस थेरेपी करके सब एनर्जी क्लियर कीजिए, यू विल सी दैट कि न्यू एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।